दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं, इस समय मैं राजधानी लखनऊ के जल निगम मुख्यालय में हूं। आप पीछे मेरे देख रहे हैं, यहां पर धरना चल रहा है। धरने के बारे में बता दूं आपको, तो आप बैनर पे साफ तौर पर देख पा रहे हैं, विशाल धरना प्रदर्शन आमरण अनशन। आपको बता दूं, लगातार जल निगम, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे PF से रिलेटेड तमाम तरीके की जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको रिलेटेड मामला हो, चाहे उत्पीड़न का मामला हो, लगातार सुर्खियों में बना रहता है। डेली अगर मैं बेसिस पर बात करूं तो आए दिन जल निगम की तमाम तरीके की खबरें आती रहती हैं। मैं इस समय यहाँ पर कर्मचारियों के बीच में हूँ, इनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा किन समस्याओं को लेकर के आज के दिन ये सभी धरने बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूँ, ये जलकल विभाग में हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम नितिन त्रिवेदी है। नितिन जी, हम ये जानना चाहते हैं आज के दिन जो धरना जो चल रहा है, धरने का मुख्य कारण। हमारा मुख्य कारण सबसे बड़ा तो ये है कि लखनऊ जलकल विभाग में कर्मचारियों को एक मिनट की भी सुरक्षा नहीं है, उनकी जान को खतरा है। हमारे साथ में बैठे हुए हैं ये पंप ऑपरेटर महोदय हैं, मुकेश जी इनका नाम है। पिछले 10 दिन में एक प्रकरण हम लोगों के सामने आया, जिसमें मुकेश जी द्वारा ही हमको ये सूचित किया गया कि विभाग में कोई ठेकेदार हैं और उनको जान से मारने की मुकेश जी को उन्होंने फ़ोन पे धमकी दी। साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हें जानवरों के बीच में बंधवाऊँगा और कई तरीके की अनर्गल बातें, गाली गलौज, ये सब उन्होंने किया है। जब संगठन को ये बात पता चली, चूँकि ये हमारे पदाधिकारी भी हैं, तो इन्होंने महाप्रबंधक महोदय को एक लेटर दिया, सारी सूचना उनको दी। उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, फिर संगठन इन्वॉल्व हुआ, संगठन ने पत्राचार करना शुरू किया, तो महाप्रबंधक महोदय ने एक लेटर जारी कर दिया फर्म को कि संगठन द्वारा ये सूचित किया गया है कि मुकेश जी को आपने धमकी दी, यदि अगर धमकी दी है आपने तो क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आपकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। मतलब अभी भी सवाल पूछा जा रहा है फर्म से कि क्यों ना कर दिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें है कि कोई सीरियसनेस नहीं है। उसके बाद जब आज हम लोग आमरण अनशन पे और धरने पे बैठ गया निश्चितकालीन, तब जाके अभी वार्ता चल रही है हमारी महाप्रबंधक महोदय से, और उस पर भी कोई निश्चित निर्णय उन्होंने नहीं लिया है। तो जब कर्मचारी सुरक्षित ही नहीं रहेगा, और ये लखनऊ का हाल है, मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब सुरक्षा की बात चल रही है, हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं चल रही हैं, और उस बीच में एक सरकारी कर्मचारी जो अपना सिर्फ कार्य कर रहा था उसको इस तरीके की धमकी देना, मुझे लगता है न्यायोचित नहीं है। और संगठन जितना भी इसका विरोध कर सकता है, जैसे भी कर सकता है, वो कर रहा है शांतिपूर्ण ढंग से, इसीलिए आज हमारा धरना की मुख्य बिंदु यही है। धमकी देने की वजह क्या थी? धमकी देने की वजह यही थी कि वो पत्रकों में प्रशासन हुआ था फोटो, और ठेकेदार का काम था वो, न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ्स पब्लिश हो गई थी। हाँ, पब्लिश हो गई थी, तो उन्होंने कह रहे हैं कि तुम करवाए हो, तो वो हमको धमकी दे रहे हैं। मतलब उनकी धांधलेबाजी बाहर खुल गई, इस वजह से आपको इस तरीके धमकी दी। हाँ, इसलिए धमकी दी गई, उनकी बाहर खुल गई धांधली, तो इसलिए हमको अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, किस पद पे आप वहाँ पे कार्यरत हैं? हमारा पद है पंप ऑपरेटर का। क्या आपका आई कार्ड बना हुआ है? हाँ जी, कार्ड बना हुआ है। अच्छा, ये दिक्कतें क्या आए दिन लगातार होती रहती हैं या फिर पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, आए दिन तो होती रहती, लेकिन मेरे साथ तो 2-3 बार, एक चक्कर पहले बार भी धमकी दे दिए थे, लेकिन हमारे पास कोई लिखित या कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं थी, तो मैं कार्रवाई नहीं कर पाया था, तो हम पंप पे थे अपने। अच्छा, तो एक चीज़ आपसे पूछ लूँ, क्या आप ही के साथ ऐसा हुआ या और भी कर्मचारियों के साथ ऐसा लगातार होता रहा है? नहीं, हमको तो अभी हमारे साथ हुआ है। तो आपके संज्ञान में नहीं? जी, हमारे संज्ञान। अच्छा, आप कब से वर्क कर रहे हैं? 20 साल से जल संस्थान के संविदा कर्मचारी, ठेके कर्मचारी से काम कर रहे हैं। आप संविदा कर्मचारी हैं? जी। नाम क्या है आपका? राम नरेश पटेल। किस पद पे हैं? मैं अध्यक्ष इन कर्मचारियों का हूँ। कर्मचारियों का अध्यक्ष है वहाँ पे, आप किस पद पे हैं जब वर्क कर रहे हैं जहाँ पे? अभी वर्क हमारा अध्यक्ष पद पे, हमारा रिपोर्टर ये है कि जो है श्रमिक कर्मचारी, ये श्रमिक कर्मचारी 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। 1200 रुपये से इन लोगों ने शुरुआत किया था, आज इसका 9000 मिल रहा। जितना कम वेतन पे लोग काम कर रहे हैं, इतना कोई नियम कर नहीं सकता। केवल इस लालच में लगे हुए हैं कि चलिए हमको आगे चल के योगी सरकार आई है कि हमको नियुक्तिकरण मिल जाएगा, लेकिन ठेकेदार द्वारा
इन लोगों का जो पीएफ कट रहा 10% जो नगर निगम द्वारा इनका निर्धारित किया गया वो भी नहीं काट के इनके खाते में डाल रहे हैं, पूरा पैसा वो गमन कर रहे हैं इनके ठेकेदार लोग। इस पर इन लोगों ने कई बार शिकायत की, अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा कई बार कहा गया कि इनके जो है कि एक सूची बनाई कितना कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है और कितना इनका पीएफ, उसकी ना पासबुक जारी की गई, और ये लोग कहीं काम करने जाते हैं जो एक कार्ड जारी होता है नगर निगम द्वारा, वो भी कार्ड आज तक इन लोगों का जारी नहीं किया गया। आज तक इनको अंधेरे में विभाग द्वारा रखा गया, ठेकेदारों की मनमानी चल रही। जब ये लोग अपनी बात को कहने के लिए होते हैं तो उनको धमकी देते हैं कि इनको निकाल देंगे, उस पर कोई हमारे अधिकारी कोई गौर नहीं करते हैं। इनको निचला कर्मचारी समझ के कोई सुविधा कोई चीज़ की इनको लाभ नहीं दे रहे। वेतन 9,000 रुपये दे रहे हैं, वो भी टाइम से नहीं, कहीं पर 2 महीना हो जाए, 2.5 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए, कोई इनको ये चिंता नहीं है कि कर्मचारी 9,000 वेतन मिल जाए तो टाइम से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, और ना वेतन बढ़ा रहे। हमारी यही इन लोगों से मांग है कि सभी लोग अभी अपनी बात को कह रहे हैं कि हमारा इस वेतन में काम नहीं चल पा रहा, योगी सरकार है इसमें इनको लोग नियुक्ति कर जाए, ठेकेदारी प्रथा जब उनकी पीएफ हड़प रही है तो प्रथा को ख़त्म किया जाए, इनको विभाग से तनख्वाह दी जाए और विभाग इनकी खुद ही अपनी जो है पीएफ ये सब डाले। अच्छा, ये आपने तनख्वाह की बात कर ली, तनख्वाह क्या डायरेक्ट हैंड में मिलती है अकाउंट के थ्रू आती है? ठेकेदार द्वारा इनकी तनख्वाह ज़्यादा है, वो 2-3 हज़ार रुपये काट के तब इनको देती है, वो अकाउंट में डालता ठेकेदार, लेकिन ठेकेदार को मिलता नगर निगम से मिलता ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी वो काट के इनका पीएफ वाला जो रकम आ रही वो अपने प्लाटिंग में या जो है बियाजू में रकम इनकी चला रहा है। एक एक कर्मचारी का 3-3, 4-4 साल का लाख लाख 1.5 लाख रुपए बनेगा, वो इनको मिल जाए तो ये अपना पैसा अपने बच्चों के यूज में लगा ले, लेकिन वो भी ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जा रहा। पीएफ दिया जा रहा है और पूरा पैसा भी नहीं दिया जा रहा है? पूरा पैसा भी नहीं दिया जा रहा, और पीएफ की ना कोई कापी बनाई है, ना इनका कोई जो है बीमा कराया, ना इनका कोई, अभी रस्ते में जा रहे हैं, आई कार्ड नहीं है, तो इनको कैसे कोई जान पाएगा ये जलकल के कर्मचारी हैं। आपसे बात करेंगे जो स्क्रैप को लेकर के जो हर महीने जो घोटाले की बात हो रही है, ये क्या पूरा मामला है? ये सूरज भान सिंह कर्मचारी परिषद से जोन 4 जोनल अध्यक्ष। स्क्रैप घोटाला जो विभाग में इस समय वर्तमान में दिखाया जा रहा है या समाचार पत्रों में है या मीडिया कर्मी आप बंधुओं के साथ जो है साक्ष्य में उपलब्ध कराया गया है, ये जल संस्थान के गठन से है। स्क्रैप की नीलामी जल संस्थान के गठन से अभी तक नहीं हुई है, इसकी नीलामी अभी तक विभाग द्वारा नहीं कराई गई है, और दिन प्रतिदिन जो विभाग में स्क्रैप पड़ा हुआ है वो गायब हो रहा है, और जो हमारा केंद्रीय स्टोर ऐशबाग है उसमें इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, और यदि इसके बारे में संगठन आवाज़ उठाता है तो उसको गोल मटोल जवाब दे के टहला दिया जाता है, क्योंकि इसमें अरबों रुपए के राजस्व की विभाग को हानि होती आई है और हो रही है। जी, जब फर्जी फाइलों के भुगतान की लगातार बात हो रही है, फर्जी फाइलें कौन सी हों जिसका लगातार भुगतान किस तरीके से, क्या प्रक्रिया किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने आरोप लगाया है। जी, फर्जी फाइलों का भुगतान इस तरह से हो रहा है कि ठेकेदार का काम जो है वो विभागीय कर्मचारी जो मैंडेज आउटसोर्सिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारी द्वारा कराया जाता है, उसका टेंडर बाद में कराया जाता है, जो ठेकेदार फिर उसका टेंडर कराया जाता है, फिर उसका भुगतान विभाग में किया जाता है, जो कि परसेंटेज बंधा हुआ है उसके तहत अधिकारियों को परसेंटेज मिलता है। परसेंटेज मतलब रिश्वत की बात? जी, रिश्वत की बात है, ये परसेंटेज जो है अधिकारियों को मिलता है और फिर उसका जो है भुगतान किया जाता है ठेकेदार का, जो कि काम ठेकेदार को ही करना होता है, परंतु यहाँ के अधिकारी दबाव बनाकर अपने कर्मचारियों से काम कराते हैं, उसके बाद यदि कोई घटना होती है तो कर्मचारी को ही जिम्मेदार बताया जाता है। तो ठेकेदार की इस प्रकार की गुंडई विभाग में चल रही है, और ये आज से नहीं बहुत दिन से चल रही है, तो एक प्रकरण जो कि वर्तमान में आपके समक्ष आया है, लेकिन ये ठेकेदार की दबंगई विभाग में बहुत पहले से चल रही है, और ये दमनकारी नीति जो विभाग की है ये वर्षों से चली आई है, इस पे प्रशासन मतलब चेत नहीं रहा है कि कर्मचारी की समस्या है उसका निराकरण किया जाए, लेकिन प्रशासन अपनी ही बात हमेशा करता है और गोलमोल बात करके टाल मटोल की नीति के साथ कर्मचारियों को टहला देता है। आप पहले नाम बता दें। हमारा जयराम नाम है। जयराम जी किस पद पे कार्यरत? हम गैंगमैन पे हैं। गैंगमैन पे। हम ये जानना चाहते हैं, धरना तो प्रदर्शन आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ऊपर आप लोग की बातचीत भी चल रही है,
बातें नहीं मानी जाती फिर क्या करेंगे? देखिए इसमें तो हम लोग अगर बात नहीं मानी धरना और अनशन पर कार्य होगा आगे बढ़ के, वार्ता में क्या निकलता है अभी तो कोई बता नहीं सकते हम। वार्ता अगर नहीं होती हमारे कर्मचारी हित में तो हम लोग अनशन पर ही चलेंगे। अच्छा एक आप लोग लगातार आंदोलन पे रहते हैं, पिछली बार भी मैंने कवर किया था 7 मई को, भ्रष्टाचार की बातें लगातार सामने आ रही हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार आप लोग के ऊपर भी प्रेशर रहता है, तमाम तरीके के दबाव में आप लोग रहते हैं, कैसे करते हैं? ऐसा है कि कोई काम कराता है अधिकारी कोई भी, एक फाइल को जैसे 3-4 डिवाइड होता है, मकाने हैं, एक ही फाइल को 4 बार 5 बार फाइल बना दी जाती है, नाम उसका नंबर चेंज कर करके, तो ये भ्रष्ट ही तो है। मतलब एक ही काम पे 4 बार पैसा पा, हाँ उसी काम को 4 बार भुगतान कर लिया जाता है। कुछ प्रोसेस बताएंगे तरीका, हम भी सीखे, सारी जनता जानना चाहिए। माने हम ये जानते कि ये मकान, ये काम हुआ, ये मकान इधर है और ये मकान इधर है, इधर मकान है, एक ही काम का मकान को चेंज करके उसको फाइल बना दी जाती है, एक ही काम को दिखा कर। नया तरीका भ्रष्टाचार का आपने स्कूलों में पर्ची वाली नकल सुनी होगी, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है भ्रष्टाचार का। एक ही स्क्रीच पे ये वर्क हुआ, इस वर्क पे 4 बार पैसा पारित करा लिया गया और सरकार का सरकारी कोष का चूना लगाया जा रहा है, जो पैसा वहाँ पर जो अन्य कामों में जो राजस्व जो यूज़ हो सकता है उसको चूना लगा रहे हैं। अच्छा ये काम इस तरीके से कहीं आपके संज्ञान में हो जहाँ बता सकते हैं आप? देखिए ये तो फाइल में कई बार ये पकड़ी गई थी, लेकिन हम लोग को बताया नहीं, तो पूरा जोन बहुत बड़ा होता है, अब इसको हम कहाँ से बताएं। ये है कि हम लोग को जानकारी में हुई कि बहुत बार इसे पकड़ाई गई है। हमारे साथ इस समय जलकल विभाग के GM बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं नीचे लगातार धरना चल रहा है, इसी संबंध में हम इनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं ये धरने में एक बात सामने आई, एक मुकेश नामक व्यक्ति जिसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले उस ठेकेदार से विवाद हुआ, इस मामले में किस तरीके का एक्शन आप ले रहे हैं? इसकी जानकारी मुझे अभी 3-4 दिन पहले एक कर्मचारी संगठन के श्री सूरज मान ने दी थी, उन्होंने ऑडियो क्लिप मुझे भेजी थी इस संबंध में। कर्मचारी का कहना था कि हम वहाँ पर लीकेज बना रहे थे, ठेकेदार का कहना था कि मैं आगे पाइपलाइन डाल रहा था, तो दोनों के बीच कोई ऐसा इशू आया कि सामग्री उसको नहीं मिल पाई, उस पर क्या गाली गलौज हुआ या क्या बात हुई थी, उस संबंध में मैंने अभी JE के स्पष्टीकरण के लिए सचिव बनता को निर्देशित कर दिया है कि 3 दिन का समय देते हुए JE से लिखित रूप में लिया जाए जानकारी कि क्या मतलब वो विभागीय आदमी काम कर रहे थे या फिर ठेकेदार आगे लाइन डाल रहा था, विवाद क्यों उत्पन्न हुआ उसका स्पष्टीकरण प्राप्त होते, अगर ये सिद्ध होता है कि ठेकेदार की गलती है, उसने गाली गलौज विभागीय कर्मचारी को की है, तो FIR अवश्य दर्ज करा दी जाएगी 3 दिन के अंदर। अच्छा स्क्रैप को लेकर भी काफ़ी सारी बातें आ रही, काफ़ी जमा हो गया है, तो इस पर किस तरीके कार्रवाई आपने फर्दर सोच रखा है? हमारे पास स्टोर दोनों प्रकार के, एक तो सेंट्रल स्टोर है हमारे पास जो मुख्यालय में है ऐशबाग में स्थित है, उसके अलावा 8 जोनों में अलग अलग स्टोर हैं। सामग्री ये है कि अभी भी कुछ साइटों पर रह जाती है, हालांकि वहाँ से ला के रखी जाती है या ओवरहेड टैंक्स वगैरह हैं वहाँ पर तमाम सामग्री है, तो जोनल वाली सामग्री जोनल स्टोर में जमा कर देता है कर्मचारी, और वहाँ यदि ज़्यादा होने लगती है तो उसको हम लोग मुख्यालय मंगा लेते हैं। मुख्यालय में भी स्क्रैप का मटेरियल काफ़ी समय से हो गया है एक शेड के नीचे, लेकिन हमारे पास और जगह भी बाकी पड़ी हुई, तो वहाँ पर हम अभी कलेक्ट करेंगे, और जब कभी भविष्य में इसकी ज़रूरत होगी कि हमारे पास स्पेस नहीं बना, तो जिला प्रशासन की अध्यक्षता में कोई एक कमेटी बनाकर इसके डिस्पोजल हेलू टेंडर प्रक्रिया होती है, ई टेंडर्स निकाले जाते हैं, उसके थ्रू इसको हटाया जाए, लेकिन ये भविष्य में अभी 1-1.5 साल बाद ही कहीं संभव है, अभी हमारे पास स्पेस है इसलिए अभी स्क्रैप हटाने की आवश्यकता नहीं है। जब कई सारी बातें ये भी आ रही है जो कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इनके अंडर में जो ठेकेदार के अंडर में जो वर्क करते हैं उनकी सैलरी डायरेक्ट ठेकेदार देते हैं, जिसमें वो काफ़ी कटौती कर लेते हैं, ये भी बात सामने आ रही है, उसके साथ में कह रहे हैं उनके आई कार्ड्स भी नहीं बने, तो क्या ये आपका मामला संज्ञान में है? कर्मचारियों में खासतौर से जो मेन डेज वाले पहले काम करते थे उनका, हाँ ठेकेदार कुछ होते थे नगद भुगतान किया करते थे स्टार्टिंग में, उसके बाद में चेक के थ्रू भुगतान करना शुरू किया, फिर RTGS सिस्टम आया तो RTGS किया, अगर इस तरीके की शिकायतें आई जोनों में तो अब तो लगभग जितने थे उनकी पूरी संख्या भी है, उनकी सूची बाकायदा लग के हमारे पास आती है भुगतान में, जिसमें उनका RTGS नंबर इंक्लूडेड, अब किसी को कोई कैश नहीं दे रहा है, अभी फिलहाल में 2 महीने के अंदर जो अपना देख रहा हूँ उसमें किसी को कैश पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसका भी है वो RTGS के थ्रू जा रहा है, इस वजह से इस मामले में कोई अब शिकायत भी नहीं रही। आई कार्ड की बात है, चूँकि बेसिक देखा जाए तो वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं तो उनको ID विभाग नहीं जारी कर रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि संबंधित फर्म उस पर जारी करे, यदि उनके साथ कोई घटना या दुर्घटना होती तो फर्म की भी जिम्मेदारी बन जाएगी कि हाँ ये मेरा कर्मचारी इसके साथ इस तरीके का गलत हुआ, इसके संबंध में फर्मों को निर्देशित करूँगा कि अपने स्तर से जलकल विभाग के में कार्य कर रहे हैं परंतु किस फर्म पर कार्य रहते हैं, इस टाइप का आई कार्ड उनको बनाकर एक अवश्य जारी करें। जो कर्मचारी जो नीचे धरना दे रहे हैं ये PF की चोरी की भी बात कर रहे हैं, PF भी चोरी हो रहा है, ऐसी बात PF की चोरी की बात नहीं थी, जो अभी मैंने बातचीत इन लोगों से की इनका ये कहना था जैसे PF की कटौतियाँ होती हैं यही विभाग नहीं कई अन्य विभागों में भी, जो भी PF का मंथली जैसे कटौती होती है कुछ विभागों के पास पैसा रहता है फंड में तो वो तुरंत उसको क्रेडिट कर देता है,
उसके बैंक अकाउंट में, यदि नहीं क्रेडिट कर पाता तो जब पैसा बढ़ 3-4 महीने बाद जब उनके पास कलेक्शन हो जाता तब एक साथ जमा करते हैं। इनकी शिकायत ये है कि कुछ लोगों में कहीं कहीं किसी मंथ का छूट गया है पीएफ जमा होते समय, पेपर पर है लेजर में लेकिन वो बैंक अकाउंट में नहीं गया, इसीलिए मैंने शाखा प्रबंधक के लिए भी एक लेटर जारी करा रहा हूँ। शाखा प्रबंधक को अपने अकाउंट सेक्शन से अकाउंटेंट और डबल ए ओ को साथ में लगाते हुए इनके प्रत्येक जोन वाइज 1 घंटे के लिए 4 से 5 बजे के बीच का समय तय कर दिया हूँ, ताकि जो है 10 दिन या 12 दिन जो भी लगेगा इन कर्मचारियों जिनकी पासबुक में कहीं लगता है कि हमारी छूट गई है वाली एंट्री है ये है या हमारी कटौती यहाँ विभाग से हो गई मेरे खाते में नहीं, इस चीज़ को हम लोग करीब 15 दिन में क्लियर कर देंगे जिसका भी होगा। इसमें ज़्यादा कर्मचारी नहीं, किसी जोन में 3 हैं किसी में 8 हैं इस तरीके से हैं, जिनका इस तरीके का होगा बैंक के साथ क्लियर कर देंगे विद इन 15 डेज। अच्छा, कुछ बातें ऐसी लगातार सामने आती रही हैं कि काम पहले करवा लिया उसके बाद उस पर दोबारा फिर से पैसे पारित करवा लिए, या टेंडर पास हुआ एक ही टेंडर पर दो बार वर्क पैसा पारित करवा लेना, इस तरीके का भी कुछ वर्क हो रहा है क्या? ऐसी कोई चित्त संज्ञान मैंने ऐसा लाया जाए तो ठीक है, ये तो लोग कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, यहाँ तो हम लोग रजिस्टर्ड फर्म है इसीलिए पंजीकृत फर्मों के ठेकेदार। मैंने इस चीज़ को अभी पिछले दिनों जो कठौता वाले मैटर था उसमें भी हम लोगों ने यही कहा, जिसको इतना बड़ा इशू बना दिया उसकी फर्म का नाम है सर्विस बिल्डर्स एंड इंजीनियर, बता दिया कि प्लांट को बिल्डर्स को सौंप दिया गया, मतलब न्यूज़पेपर्स की लाइन सी थी, जबकि वो भी एक फर्म है यहाँ रजिस्टर्ड। और ये हमारे वर्क्स इस तरीके से होते हैं, जैसे अचानक अभी परसों उसी के 2-3 दिन बाद विशालखंड में एक ट्रांसफार्मर के नीचे 8 इंची लाइन टूट गई। अब उतने टाइम पे हमारे पास स्टाफ काम पे इंगेज था पूरा दोपहर में, टंकी शाम को कैसे भरती है सप्लाई होती, तो उतने टाइम पे एक्सचेंज ने मुझसे बात की कि सर मैं काम लगा दूँ, तो उन्होंने वर्क को वहाँ लगवाया, वर्क जो अगर एजेंसी मिली तो एजेंसी को ही लगे, उसी के पास तुरंत तो सामान ला सकता था, लेबर ला सकता था, उसकी मशीनरी थी, उसने काम को करा दिया। रही बात इसीलिए हमारे पर ज़्यादातर हम लोगों का ई टेंडर के बारे में जो कहा जाता है, ई टेंडर्स के लिए जो शासन देता था वो 10 लाख के अबव वाला था, और हमारे पक्ष जो है मिनिमम बहुत ज़्यादा पार्ट के होते हैं 2 के आसपास, 2 के विदिन मैक्सिमम है, या 5 के जो फाइनेंशियल पावर जीएम की वो 5 तक की है, तो हमारे ज़्यादातर वक्त तो 2 के आसपास अमाउंट में ही मैक्सिमम हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से ही निविदा निकालते हैं, उसमें अखबार वालों को भी जो कराता है फर्म, वो फर्म जानती है कि किस न्यूज़पेपर में दिया जाएगा, अपने आपस में फर्में आपस में बात कर लेती हैं कि भाई हमने ये वाला किया था इसलिए हम ही करेंगे इसमें, तो इस तरीके की बात है। लेकिन ये चीज़ यही नहीं है, नगर निकाय, नगर निगम, नगर पंचायत जितने भी हैं पूरे प्रदेशों में वहाँ पे कार्य अर्जेंसी, खासतौर से वाटर सप्लाई एंड सीवरेज वाले हैं, उन कामों को तो छोड़िए, नाली खड़ंजा बनना है वो लग्जरियस हैं बट हमारे एसेंशियल हैं, ठीक है, तो हमको तो काम पहले प्रायोरिटी में देखना कि शाम के टाइम ऐसा तो नहीं कि पता चला सब लेके पूरा बाल्टी हमारे विभाग में चले आएँ, घड़ा लेके चले आएँ फोड़ने के लिए, तो इसलिए हम लोग जो है पहले काम को प्रायोरिटी करते हैं, टेंडर की प्रक्रिया हो जाती है बाद में, कुछ टेंडर्स ऐसे हो जैसे प्लांट की मान लीजिए सिल्ट निकलवानी है तो इसका पहले कर लेंगे, ट्रांसफार्मर जल गया है ट्रांसफार्मर बनने के लिए चला जाए उसी समय उसका तुरंत उसी दिन एस्टीमेट बना के पुटअप करके अखबारों में देंगे, है ना, तो इस तरीके से तस्वीर करते हुए बाकी इसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि जलकल के लिए हर जगह पर जल संस्थानों को इस मामले में छूट दी गई है, इसीलिए वो सेपरेट बॉडी हुआ करते हैं, नगर निगम में तो हम बाद में सम्मिलित हुए हैं। ये जान लो जो आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉज जितने वर्क कर रहे हैं उनकी आपके पास पूरी सूची है, उपलब्ध रहती है इसमें? मैंने अभी जोन वाइज चूँकि इसमें फर्म हमको लेबर देती थी बाई नेम जो होता था, बाई नेम का इशू तभी आया था कि कुछ लोगों को चेक से दे रहे हैं, कुछ को कैश दे रहे हैं, कटौती कर दे रहे हैं, अब जो सूची बन रही है वो मैं इसीलिए सब बनवा रहा हूँ, नाम, पिता का नाम, आधार नंबर विद फोटोग्राफ्स इस टाइप से, ताकि ये कन्फर्म रहेगा हाँ ये इस फर्म का आदमी है और किस जेई के अधीन है, तो जेई का सिग्नेचर रहेगा बाकायदा, उतने बीच में हम इसको चेक भी करेंगे जाके क्या वास्तव में वहाँ पर इतना व्यक्ति कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको फोटोग्राफ सहित बनवाया। इसमें क्या होता था कि मान लीजिए 15 आदमी दे रहा है कोई एक फर्म किसी एक जेई को, बीच में हो सकता है 3 गायब हो गए हों या 3 उस दिन ना के दूसरे 3 आए हों काम करने, उस चीज़ के वो इस फोटोग्राफ से क्लियर रहेगा कि यही व्यक्ति केवल वहाँ पर काम करे, इसीलिए उनके पास से उनका कार्ड भी फर्म के थ्रू ही जारी कराऊंगा, करके ये मेरा आगे का प्लान है, करीब 1 महीने के अंदर मैं इसमें ले आऊँगा जो भी इसमें अगर कमियाँ हैं कोई इस तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे मैं जीएम से बात कर रहा, नीचे लगातार धरना चल रहा था, बैठक हुई, काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी मुद्दों बातें हुई, अब देखने वाली बात हुई कितनी जल्दी ये सारे वर्क हो जाते हैं और फील्ड पे कब तक दिखाई देते हैं। तब तक जुड़े रहें ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, मैं हूं क्षितिज कांत कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।